नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अन्ना हजारे जंतर मंतर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। वे इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। क्या वाकई यह अध्यादेश में कृषक विरोधी है? इसी मुद्दे पर हमसे चर्चा कर रहे हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप जी। जयदीप जी, क्या आप मानते हैं कि ये अध्यादेश जो है किसानों के विरोध में है? देखिए झाला जी, एक ये बहुत पेचीदा सवाल है। दरअसल भूमि अधिग्रहण हिंदुस्तान में शुरू से एक बड़ी समस्या बन के उभरा है। हिंदुस्तान में इस बात को लेकर सदैव विवाद रहा है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो भूमि अधिग्रहण कानून है, वो कैसा हो, किस तरीके से भूमि का अधिग्रहण नई उपयोग के लिए, परियोजनाओं के लिए किया जाए। अंग्रेजों के समय से जो भूमि अधिग्रहण कानून चला आ रहा था, वो ही थोड़े बहुत फेरबदल के साथ अभी तक लागू रहा। एक बड़ा फेरबदल उसमें 2013 में यूपीए की सरकार ने किया था। ये माना जा रहा था कि ये अपने आप में एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है भूमि अधिग्रहण को लेकर। लेकिन अब जो ये एनडीए की गवर्नमेंट आई है, भारतीय जनता पार्टी का जिसमें बड़ा बहुमत है, उसने उसमें जो कुछ फेरबदल किए हैं उसको लेकर दरअसल पार्टी के भीतर से भी बहुत सारे विरोध के स्वर उपजे हैं। और पार्टी के और संघ के भी बहुत सारे लोगों का ये मानना रहा है कि ये जो अध्यादेश है ये किसान विरोधी है, कॉरपोरेट्स का इसमें पक्ष ज़्यादा लिया गया है और इससे किसानों का नुकसान होगा, और इसी को मुद्दा बनाकर अन्ना हजारे जी जो हैं आंदोलन के लिए बैठ गए हैं। दरअसल इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता कि क्या वाकई ये किसान विरोधी, क्योंकि इसमें एक बड़ा पहलू ये है कि देश की बहुत सारी परियोजनाएं केवल इस वजह से भी अटकी हैं क्योंकि भूमि अधिग्रहण के कानून बहुत पेचीदा हैं, बहुत दिक्कत हैं। लेकिन वहीं आप कभी भी किसी किसान की या किसी व्यक्ति की जमीन सीधे सीधे नहीं ले सकते किसी अन्य उपयोग हेतु, जब तक कि उसके पूरे ही पहलुओं पर गौर नहीं कर लिया जाए। पहले क्या था कि जो कानून था उसमें यह था कि कोई जमीन का अगर आप अधिग्रहण करते हैं तो उसमें 80% जो है वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों की सहमति होना आवश्यक है, जिसको कि सामाजिक सहभागिता कहा गया था। उस सामाजिक सहभागिता को कुछ मामलों में खत्म कर दिया गया, ये भी नहीं कि सारे मामलों में, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य ये रहा कि जो परियोजनाएं लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण के चलते अटक जाती हैं वो थोड़ी फास्ट पेस हो जाएं, वो जल्दी चली जाएं। इसमें इसका बुरा पहलू ये है कि जब आसपास के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ पर कोई शराब की फैक्ट्री नहीं लगे, कोई केमिकल की फैक्ट्री नहीं लगे, कोई नुकसान पहुँचाने वाला उद्योग नहीं लगे, तो फिर ऐसे में भी ऐसी फैक्ट्रियाँ लग जाएगी, ऐसे उद्योग लग जाएंगे, ऐसे उपयोग के लिए वहाँ की ज़मीन चली जाएगी जिसको लेकर आसपास के रहवासियों में असंतोष हो। तो एक उसका बड़ा पहलू वो है। और यदि अन्ना हजारे इस मुद्दे पर आंदोलन जारी रखते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनको पहले जैसा समर्थन मिल पाएगा उनको? देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा कि एक तो अन्ना हजारे जी की जो टाइमिंग है वो पहले का भी अपन लोकपाल वाला आंदोलन भी देखे तो वो संसद के सत्र के शुरू होने का इंतजार करते थे। इस बार भी उन्होंने बाकायदा संसद सत्र के शुरू, ताकि उनको संसद के भीतर से भी उस तरह की आवाज़ें मिले, समर्थन मिले। मैं तो अन्ना हजारे जी के आंदोलन को इस रूप में भी देखता हूँ कि ठीक है उन्होंने लोकपाल आंदोलन किया, लेकिन उसका एक बहुत सकारात्मक पहलू ये था कि सारे देश की जनता को ये मालूम पड़ गया था कि लोकपाल कानून आखिर है क्या। देश की जनता में विधेयकों को लेकर, प्रस्तावों को लेकर, कानूनों को लेकर गहराई तक जानने और पढ़ने की कोई समझ हमारे यहाँ विकसित नहीं की गई है। जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है, जनता को कानूनों को लेकर जागरूक, तो कानून संसद में आते हैं, वहीं बहस होती है, वहीं पास या फेल हो जाते हैं। अब जब लोकपाल के लिए धरने पर बैठी थी पूरी अन्ना हजारे जी की टीम, तो लोगों ने उसके एक एक प्रावधान को समझा कि कैसे नियुक्त होगा, कौन नियुक्त करेगा, जो सरकार का लोकपाल है उसमें और जन लोकपाल में क्या अंतर है। वैसे ही अगर इस भूमि अधिग्रहण कानून पर अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बहाने देश भर में चर्चा होती है, उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर विचार होता है, तो मुझे लगता है कि सबसे सकारात्मक पहलू तो इस आंदोलन का यही है। क्या लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर अपने कदम वापस ले सकती है? देखिए, जो कल बैठक हुई है इस पूरे मसले को लेकर, भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों को लेकर, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पहले ही इसको लेकर चिंतित हैं। वो कहीं ना कहीं खुद भी शायद ये मान रहे थे कि इस अधिग्रहण कानून की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। और जो एक तेजी से बहुत सारे सुधारात्मक कदम पिछले 9 महीने में सरकार ने उठाए थे, उसमें एकमात्र ये कानून ऐसा है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। और जब ये आया था तभी से, अभी अन्ना हजारे जी विरोध कर रहे हैं इस वजह से नहीं, तो पार्टी के भीतर से भी विरोध के स्वर पहुंचे थे। अब अन्ना हजारे जी भी बैठ गए। एक तो ये सरकार ये भी समझती है कि जैसे पिछली बार यूपीए सरकार ने अन्ना हजारे जी के आंदोलन को हल्के में लिया, उस चिंगारी को उन्होंने आग बन जाने तक इंतजार किया, तो मुझे लगता है कि शायद ये समझदारी दिखाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कि वो इस आंदोलन के एक बड़ा स्वरूप लेकर उनके खिलाफ जनाक्रोश में तब्दील होने से पहले ही चेत जाएंगे, खासतौर पर तब जब वो इस विरोध को लेकर पहले से ही जागरूक हैं। एक बात यह भी कही जा रही है कि अन्ना का आंदोलन जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भावी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
देखिए इस बारे में तो मैं निश्चित ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इस बार आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे जी के आंदोलन में कोई आपस में गठबंधन है। अन्ना हजारे जी चूंकि एक तरह से अभी बहुत समय से हाशिए पर थे, वो कोई सक्रिय अपने स्वास्थ्य के कारणों से या दूसरे अन्य कारणों से देखा जाए तो नहीं सक्रिय रूप से परिदृश्य पर उभरे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की 67 सीटों की जीत ने भी कहीं ना कहीं उनको ताकत और हौसला दिया होगा कि वो आंदोलन करें। और आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें ये मौका दिख रहा होगा सरकार के खिलाफ भावनाओं को खड़ा करके आने वाले राज्यों के चुनावों में उसका फायदा उठाने। यदि कि ये भूमि अधिग्रहण कानून की और क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? देखिए इसमें एक और बड़ा मसला ये भी है कि पहले जो जमीन का मालिक है वो और किसान दोनों की सहमति आवश्यक मानी गई थी। अब यह है कि किसान जो उस पर खेती कर रहा है जमीन पे, वो उसका मूल मालिक नहीं भी है तो उसकी सहमति की जरूरत नहीं है। जो भूमि का मालिक है, वास्तविक मालिक है, केवल उसकी सहमति से भी भूमि का अधिग्रहण हो सकता है। तो इस पहलू को लेकर भी बहुत सारे तथ्य सामने कि जो किसान है जिसकी रोजी उससे चल रही है, खेती किसानी उससे चल रही है, आखिरकार उसके मत को, उसके भावनाओं को या उसकी अभिमत को शामिल करके उसकी स्वीकृति लेकर अधिग्रहण क्यों ना किया जाए। तो ये इसकी एक और इस तरह के और बारीक चीज़ें इसमें हैं। कुछ परियोजनाएँ ऐसी भी हैं जो देश हित की हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं और इन पेचीदगियों का शिकार होकर वो लंबे समय तक साकार नहीं हो पाती। तो अब ये तय करना कि किस परियोजना में इस तरह का शॉर्टकट अपनाया जाए और किस परियोजना में नहीं अपनाया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल सरकार के लिए रहेगा। मुझे लगता है कि इस पर बहुत देशव्यापी बहस के माध्यम से उन उदाहरणों को सामने रखकर जहां भूमि अधिग्रहण कानून का उपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, उन सारे उदाहरणों को सामने रखकर और एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें किसान, जिसकी वो ज़मीन है, वहां के रहवासी, इन सब के हितों को नुकसान पहुंचाए बगैर भी हम विकास की रफ्तार पर, आखिर विकास क्या है, विकास आप देश के लोगों के लिए, समाज के लिए, मनुष्य के लिए तो कर रहे हैं, और उस मनुष्य को हाशिए पर रखकर अगर आप कोई विकास करते हैं तो निश्चित तौर पर उस विकास को पूरा नहीं कहा जाएगा, अधूरा विकास। तो भूमि अधिग्रहण कानून एक शुरू से जटिल मसला रहा है और इस मसले को इतनी आसानी से हल कर पाना संभव किसी के लिए भी नहीं है, पर मुझे फिलहाल तो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने कदम जो है, उनकी सरकार जो है, पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बहाने से ही सही इस कानून को लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर अगर देशव्यापी बहस होती है, लोग उसके बारे में अधिक जानते हैं तो ये हमारे हित में ही होगा। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे भूमि अधिग्रहण कानून और अन्ना के आंदोलन पर। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।